अगर आप अपने बेबी के लिए प्लास्टिक की बॉटल यूज करते हैं फीड करने के लिए तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि क्या प्लास्टिक सेफ है आपके बेबी के लिए, और अगर सेफ नहीं है तो क्या ऐसे ऑप्शंस है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी बेबी की फीडिंग बॉटल के लिए। हे एवरीवन, माय नेम इज तन्वी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग फीडिंग बॉटल्स के बारे में बात करेंगे। फीडिंग बॉटल जो होती है हमारे बेबीज के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। किसी ना किसी एज में हर पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को फीडिंग बॉटल ज़रूर इंट्रोड्यूस करते हैं, भले वो ब्रेस्ट मिल्क देने के लिए हो, या फिर टॉप फीड देने के लिए हो, या फिर पानी देने के लिए। तो इस तरह से फीडिंग बॉटल्स जो हैं बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब फीडिंग बॉटल किस तरह की होनी चाहिए, कौन से मटेरियल की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, ये सब जो कंसर्न्स हैं अक्सर पेरेंट्स के मन में होते हैं, तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए मैं आज की वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कौन सी सबसे अच्छी ऑप्शन है फीडिंग बॉटल्स के रूप में, और कौन सा सेफेस्ट ऑप्शन है जो कि हमें चूज़ करना चाहिए हमारे बेबीज़ के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मार्केट में आजकल कई सारे फीडिंग बॉटल के ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि प्लास्टिक की फीडिंग बॉटल्स, स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स, ग्लास की बॉटल्स, और आजकल कुछ सिलिकॉन की बॉटल्स भी आ गई हैं जो कि इजीली आपको ऑनलाइन शॉप्स पे मिल सकती हैं, जैसे कि अमेजोन वगैरह या फिर रिटेल स्टोर्स पे भी सारे तरह के ऑप्शंस आजकल इजीली मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक की बॉटल्स के बारे में, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल्स जो है वो बहुत वाइडली यूज्ड हैं। पेरेंट्स की फर्स्ट चॉइस रहती है प्लास्टिक की बॉटल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्लास्टिक है वो एक नेचुरल सोर्स नहीं है। प्लास्टिक जो है वो कई तरह के केमिकल्स की रिएक्शन करके बनाया जाता है, उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं। तो अगर आप सिंपल सा टुकड़ा भी आप प्लास्टिक का लेंगे तो उसमें 8 से 10 तरह के केमिकल्स मिला के उस प्लास्टिक के टुकड़े को बनाया जाता है। कई सालों के रिसर्च के बाद में ये सामने आया कि प्लास्टिक की बॉटल्स में कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसके कारण जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो अनसेफ ऑप्शन माना जाता है। वो केमिकल है BPA। BPA मतलब बिस्फिनॉल ए करके एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि प्लास्टिक की बॉटल्स में ऐड किया जाता है, जिससे कि प्लास्टिक की बॉटल ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, थोड़ी रिजिड हो जाती हैं कि वो टूटे नहीं प्लास्टिक। ये सारी प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए उसमें BPA का जो एक कंपाउंड होता है वो ऐड किया जाता है। जो BPA है वो एक बहुत ही हैजार्डस केमिकल है, बहुत हार्मफुल केमिकल है। अगर वो बॉटल्स में ऐड होता है तो बच्चों की हेल्थ के साथ काफ़ी नुकसान होता है। उसके कारण हार्ट डिसीजेज होते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, कैंसर जैसी बुरी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए FDA ने, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है US की, उसने कम्प्लीटली बैन लगा दिया बिस्फिनॉल ए पे, यानी कि BPA पे। उसके बाद जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स बनने लगी बच्चों के लिए जो अच्छी क्वालिटी की है वो BPA फ्री बनती हैं। अब प्लास्टिक में इतने सारे केमिकल्स हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है जब भी उसे गर्म किया जाता है या गर्म चीज़ उसमें डालने के बाद वो केमिकल्स रिलीज होते हैं खाने की चीज़ में, और खाने के थ्रू जो है वो बच्चों के पेट में भी जाते हैं। अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो BPA फ्री होने के बावजूद भी जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो सेफ नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कई तरह के केमिकल्स हैं जो कि गर्म चीज़ डालने के बाद वो उसमें से रिलीज होते हैं, खाने की चीज़ों में मिल जाते हैं, और उन्हें हम जैसे ही इनटेक करते हैं तो वो केमिकल्स हमारे अंदर भी चले जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। सेकेंड, जितनी बार आप प्लास्टिक को वॉश करेंगे उसके बाद स्टरलाइज करेंगे उसमें कई तरह के छोटे छोटे स्क्रैचेस आ जाते हैं और होल्स हो जाते हैं। अब उन होल्स में जर्म्स और बैक्टीरिया का पनपना बहुत आसान होता है, और इसके कारण जो है बच्चों को कई तरह के इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। तो प्लास्टिक की बॉटल्स इसलिए भी आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उनसे इन्फेक्शंस बच्चों में होना बहुत ईजी होता है। अगर फिर भी आप प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर इंश्योर करें कि आप अच्छे प्लास्टिक की ही बॉटल यूज़ करें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो बॉटल्स होती हैं बच्चों की उसमें आती है निप्पल्स। तो निप्पल्स भी हमको टाइम टू टाइम बच्चों के लिए चेंज करती रहने चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो निप्पल्स आती हैं उसमें अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस रहते हैं। तो आजकल जो होती हैं कई तरह की एंटी कॉलिक निप्पल्स भी आ गई हैं, एंटी कॉलिक बॉटल्स आ गई हैं। तो स्टेनलेस स्टील की भी अगर बॉटल्स की हम बात करें तो उसमें भी एंटी कॉलिक बॉटल्स आपको मिलेंगी। आप अगर नई बॉटल खरीदने जा रहे हैं तो ज़रूर चेक करें कि आपकी जो बॉटल आप ले रहे हैं बच्चे के लिए वो एंटी कॉलिक है कि नहीं। एंटी कॉलिक बॉटल्स का काफी फायदा होता है बच्चों के लिए, उसमें कॉलिक की जो तकलीफें होती हैं, बॉटल के साथ में जो एयर बच्चे गल्प कर लेते हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफी हद तक खत्म हो जाती हैं। तो एंटी कॉलिक बॉटल्स जो हैं वो सिर्फ प्लास्टिक में नहीं, स्टील में भी अवेलेबल है, तो गो फॉर स्टील ऑप्शन।
एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि वो सेफ हैं बच्चों के लिए, बिल्कुल भी उसमें हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स में। सेकेंडली वो ड्यूरेबल भी हैं, काफी टाइम तक चल जाती हैं। थर्डली लाइट वेट है, बच्चे उसे इजिली कैरी कर सकते हैं। और चौथा वो भी इजिली टूटती फूटती नहीं है तो उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स काफी हैंडी और काफी सेफ ऑप्शन है बच्चों के लिए यूज करने के लिए। स्टील की बॉटल के कई सारे मैंने आपको एडवांटेजेस बताए और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कई सारी जो स्टील की बॉटल है वो इंडिया में ही बनती हैं, मतलब कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको भी स्टील की बॉटल्स यूज करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो सेफ भी है, मेड इन इंडिया भी है और इतने सारे एडवांटेजेस तो मैंने आपको बता ही दी। तो मैं जो स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स यूज करती हूँ वो दोनों कुछ इस तरह की है, दोनों अलग अलग साइजेस की है। एक ये 210 ml की है और ये 300 ml की है। तो साइजेस आपको अपने बच्चे के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप बड़ा साइज ही लें, क्योंकि बच्चों की जब एपेटाइट बढ़ेगी तो आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल्क बनाना पड़ेगा, या जो भी आप काउस मिल्क भी दे रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी देनी पड़ेगी। तो बेटर यही है कि आप बड़ी साइज की बॉटल्स ही चूज करें। ये जो बॉटल है ये है मोमाज बेबी कंपनी की और ये दूसरी कंपनी की है स्टील हॉक। दोनों ही स्टील की बॉटल्स हैं और दोनों ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। इनकी कैप भी स्टील की है, बॉटल स्टील की है, जो नेक रहता है वो भी स्टील का है, ऊपर का पोर्शन जो है ये निप्पल ये सिलिकॉन मटेरियल का है। ये आपको टाइम टू टाइम चेंज करना है विद इन 4 to 6 months, जब इनका कलर जो है स्टरलाइज करने के बाद काफी टाइम में, तो उसके बाद आपको ये चेंज कर लेना चाहिए। बच्चों के लिए क्या सेफेस्ट ऑप्शन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। स्टेनलेस स्टील जो बॉटल्स हैं वो मैं यूज़ करती आ रही हूँ मेरे बेबी के लिए काफ़ी टाइम से, और वो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगा था, इसलिए मैं आपके साथ भी वही शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी मेरी बात समझ में आ रही है, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहूँ। जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर हिट करें ताकि आपको पर्सनल नोटिफिकेशन आ सके। मैं अब देखूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।